बेसिकली आरके कभी मंदिर नहीं जाता, वो कभी पूजा पाठ नहीं करता, और सडनली टीका देखा तो आई एम काइंड ऑफ शॉक्ड कि उसे हो क्या गया है. अफकोर्स शक हो रहा है, एंड हर एक सीन में मैं बता रही हूँ कि मुझे शक हो रहा है, बट एट द सेम टाइम वो प्रूव कर लेता है कि वो आरके, तो मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहता. देखो बजरंगबली साथ देने के आरके का तो कोई टेंशन नहीं है उसको, और फाइनली के आरके ने सिचुएशन संभाली ली. हाँ तो ऑब्वियसली बिट्टू जी वैसे भी हमेशा बली का बकरा बनते हैं, और उनके साथ हमेशा प्रैंक्स करता हूँ, और मैं और खासकर मैं और मेरे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अमित मलिक, हम साथ मिल के प्रैंक्स करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है, बिकॉज बिट्टू जी के जो रिएक्शन होते हैं वो सबसे फ़नी होते हैं. एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल माहौल रहता है बिकॉज इतना सारा काम ख़त्म करना होता है और बहुत कम टाइम होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम निकाल के मस्ती भी करनी चाहिए. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. इनफैक्ट उसको जो एमपी का टोन दिया था वो इसी मकसद से दिया था कि कैरेक्टर अच्छा लगे, और फ़नी भी बहुत है, और उसके अपने आप में काफ़ी सारे शेड्स हैं. जैसे आरके के हैं, ऐसे केआरके के अपने खुद के काफ़ी सारे शेड्स हैं. वो फ़नी है, वो सीरियस है, वो डर जाता है, वो घबरा जाता है, फिर वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है और फिर वापस आरके के कैरेक्टर में आ जाता है, तो बहुत मज़ा आता है. टैक्सिंग हो जाता है बिकॉज जिस सीन में आरके और केआरके साथ में हो वहाँ मुझे डबल डायलॉग्स करने पड़ते हैं और डबल मेहनत करनी पड़ती है. सो टैक्सिंग है, पर ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड करना है और इन्जॉय भी करना है साथ में, और एज अ ड्यूटी नहीं कर सकते बिकॉज एज अ ड्यूटी करेंगे तो फिर वो बस काम निकालने जैसा हो जाता है. तो एंड ऑब्वियसली एमपी टोन है तो मुझे थोड़ा ईजी पड़ता है. इसी आइडिया से लाया गया था ये एमपी टोन कैरेक्टर में कि मुझे आसानी हो, बिकॉज अब मेरा काम डबल हो गया है, तो मुझे आरके भी प्ले करना है, केआरके भी प्ले करना है, सो इट गेट्स डिफिकल्ट. तो थोड़ा कहीं तो आसानी मिले तो ईजी हो चीज़ें. एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो वहाँ का टोन है, जैसे बेसिक लैंग्वेज भी अगर नॉर्मली अगर कोई इंसान बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ तो वो मैं जा रहा हूँ नहीं बोलेगा, मैं जा रहा हूँ बोलेगा, तो अच्छा वो डेज वो थोड़ा सा स्ट्रेच करता है तो फ़नी भी साउंड करता है. देखा जाए तो मेरे लिए सारे रिलीजन सेम है, एंड दिस इज़ नॉट अ डिप्लोमेटिक आंसर. मैं बचपन से गुरुद्वारे भी गया हूँ, मंदिर भी गया हूँ, चर्च भी गया हूँ, और दरगाह पर भी गया हूँ. सो मेरे लिए कोई भगवान अलग नहीं है, सारे भगवान सेम, और मैं किसी मोटिव से भगवान की पूजा नहीं करता कि भगवान इस बार मुझे ये शो दिला दो या ये अवार्ड दिला दो तो मैं आपकी पूजा करूँगा. भगवान, आप भगवान की पूजा किसी मतलब से नहीं कर सकते, इट शुड कम फ्रॉम विद इन, और किसी पर फोर्स नहीं कर सकते. जय श्री महाकाल.